हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले प्लीज़ इस चैप्टर्स को जरूर जो है एक बार टचअप कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कई विगत वर्षों से देख रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है एग्जामिनर्स के समझिए आँख का तारा है। ये पांच चैप्टर जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो है, इसको जरूर जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको जरूर जो है आप जो है सो देख लीजिए जाने से पहले। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है आपका वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो है भारत इज माय होम। और तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। चौथा चैप्टर जो है आपको आई हैव अ ड्रीम। और पांचवा चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर, INDIA इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पांच चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर इस पांच चैप्टर को आप जो है सो अगर टेकल आउट कर लीजिएगा तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ में जो आपका जो दो दो मार्क्स का होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपकी जो क्लियर आउट हो जाती है। और ऑब्जेक्टिव की तो इसके अंदर भरमार रहती है। ये पांच चैप्टर आप पूछिएगा हमसे कि क्यों इस तरह का पांच चैप्टर है। देखिए इसमें से जो पहला चैप्टर है आपको इंडियन सिविलाइजेशन भारत इज माई होम और पिंच ऑफ स्नफ, ये इंडियन राइटर है। टोटल 11 में से सिर्फ तीन जो ऐसे राइटर हैं जो कि क्या है वो इंडियन राइटर है। तो इसमें से क्वेश्चन जो है टचअप करता है। देखिए आप एग्जामिनर है, तो आप जब एग्जामिनर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप चैप्टर को खोलिएगा। तो पहला चैप्टर क्या होता है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और वो भी कौन, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। भारत इज माई होम भी इंडियन राइटर्स है, उसके बाद पिंच ऑफ स्नफ ये भी इंडियन राइटर्स है, और आई हैव अ ड्रीम ये भी जो है इंपॉर्टेंट होता है। कभी इसमें से आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो पहला तीन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम और पिंच ऑफ स्नफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, अगर आप इसके अंदर और भी टचअप करना चाहते हैं तो एक लीजिए अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जरूर एक बार जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए या कुछ भी, आप जो है एक बार जरूर इसका जो है सो चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, या फिर अगर वीडियो कहीं से मिल जा रही है तो इसको जरूर देख लीजिए। अगर कहीं नहीं मिल रही है तो कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पर आइए। इस वर्ष कोरोना की वजह से हम लोग पूरा का फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, पूरी चैप्टर चाहे वो 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं, उसका जितना भी वीडियो लेक्चर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आके वहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये आपका चैप्टर हुआ प्रोज सेक्शन का। अगर पोएट्री सेक्शन की बात करते हैं तो पोएट्री सेक्शन में पहला जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक ये चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और तीसरा जो चैप्टर है आपका वो जो है आपको ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और एक आठवां नंबर चैप्टर को पढ़ लीजिएगा फायर हेम, और जो है सो दसवां नंबर चैप्टर जो पोएट्री का है वो है माय ग्रैंड मदर हाउस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पोएट्री का, इसको जरूर जो है एक बार जाने से पहले एक बार टचअप कर लीजिए इसकी ऑब्जेक्टिव्स को। पूरी ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ फाइल भी अभी खुला हुआ है, आप जाके कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस पे जाके जो है एक बार टच कर लीजिए, एक बार जो है इसको टचअप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जरूर जो है सो एक बार टच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज।